अगर आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं तो क्या आपने ऐसा वीडियो निश्चित रूप से देखे होंगे कि मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हो चुका है जारी, एक क्लिक में करें डाउनलोड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा ऐसा आपको यहां पे मिलेगा, कंटेंट मिलेगा जिसमें आप फर्जी, बिल्कुल तरह से यहाँ पर देख सकते हैं 2021 का ही डमी पंजीयन है जिसको ऊपर में लगा करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको किसी तरह की बेवकूफ बनाने का काम नहीं करूँगा, बस आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि आपका पंजीयन कब और किस दिन होगा जारी और कहां से आप कर पाएंगे डाउनलोड। तो आशा करते हैं कि यहां तक आप सुनकर के संतुष्ट हो गए होंगे कि ये वीडियो बिल्कुल तरह से आपके काम की है। तो भाई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डमी पंजीयन डाउनलोड यदि करना चाह रहे हैं तो आपको चलना है गूगल या फिर क्रोम पर, और वहां पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको माधव एनसीईआरटी यहाँ पे जैसा बात यहाँ पे लिखा जा चुका है ऐसा बात आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। किसी भी साइट से आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बस यही बात आपको क्या करना है, सर्च करना है। सिंपली हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने अब देखिए ऐसा वाले कुछ ऑप्शन खुल करके आ चुका है जिसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ऑप्शन आपको जहाँ पर भी मिल जाए गूगल में सर्च करने के बाद, जहाँ पर भी ऐसा वाले मिल जाए उस पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करते हैं अब आपके सामने कुछ ऐसा साइट खुल कर आएगा जिसके नीचे चलना है, नीचे आपको लेटेस्ट अपडेट आएंगे जहां पे हर एक न्यूज आपको बिल्कुल सही आपके लिए काम कराता है। तो यहां पे आप यहां पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही यहां पे आपको क्लिक करना है तो यहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओरिजिनल साइट यहां पे खुल के आ गया जहां पर ऐसा बात बताया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, नीचे सिंपली नीचे चलना है। मैं मैट्रिक इंटर दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों का डमी पंजीयन डाउनलोड करने का 100% सिक्योर तरीका बताने वाला हूं। यहां पे आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन यदि आप करवा चुके हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन डमी पंजीयन जारी होने वाला है। यदि आप डमी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए यानी ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए बिहार बोर्ड की ओर से पुनः मौका दिया जाएगा, जिसके लिए आप सभी तैयार रहें और घबराएं नहीं। जैसे ही मौका दिया जाता है आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल तरह से बताया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आपको बता दें महत्वपूर्ण जानकारी है कि 26 जुलाई से आप सभी के विद्यालय में होने जा रहा है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022, यानी आपको प्रथम सर्वाधिक परीक्षा होने जा रहा है जिसका हर एक प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे आपका रूटिंग है, तो इस वाले पे क्लिक करके आप रूटिंग देख सकते हैं। हमने बता दिया है कहाँ से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ओरिजिनल लिंक दिया गया है तो इसमें जा करके आप वहाँ पे देख सकते थे, है ना। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि डाउनलोड करने के लिए आपको क्या तरीका है, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, हाउ टू डाउनलोड बीएसवी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2023। इन सभी प्रक्रिया को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है, तभी जाके आप डाउनलोड करने के लिए शुरू करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्टिकल है बीएसवी रजिस्ट्रेशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक दिया जाए जहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे। साथ ही लिंक 1 दिया गया है और कमिंग सून है फाइनल डमी पंजीयन के लिए, आपको यहाँ पे कमिंग सून दिखाया जा रहा है। तो आप जो दिया गया लिंक है इस लिंक आप जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं, यहां से किसी तरह का उल्टा पुल्टा लिंक आपको नहीं देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर किए होंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह गई होगी, आपको नहीं समझा पाए होंगे, तो इसके लिए आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।